और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से, जहां हाईकोर्ट में मिले कोरोना के 50 नए संक्रमित। कई कर्मचारी और वकील आए कोरोना की चपेट में। आज कोर्ट में संक्रमण के 35 नए मामले सामने आए हैं। CMHO प्रवीण जड़िया ने की 50 मरीज मिलने की पुष्टि। बार एसोसिएशन ने एक हफ्ते तक कोर्ट की कार्यवाही स्थगित करने की मांग की। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर हाई कोर्ट से, जहां कोरोना के 50 संक्रमित पाए गए हैं। कई कर्मचारी और वकील आए कोरोना की चपेट में। आज कोर्ट में संक्रमण के 35 नए मामले सामने आए। CMHO प्रवीण जड़िया ने की 50 मरीज मिलने की पुष्टि। बार एसोसिएशन ने एक हफ्ते तक कोर्ट की कार्यवाही स्थगित करने की मांग की है। इंदौर शहर में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, रोज 500 से अधिक संक्रमित होना पाए जा रहे हैं और हाईकोर्ट भी इसकी जद में आ चुका है। हाईकोर्ट में विगत 4-5 दिनों से संक्रमण की स्थिति बनी हुई थी, इसी कारण से मैंने 25 तारीख को मुख्य न्यायाधिपति महोदय और प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय को ईमेल के जरिए निवेदन किया कि एक सप्ताह के लिए हाईकोर्ट का कार्य स्थगित कर दिया जाए। और उसी दौरान जो है 15 कर्मचारी संक्रमित होना पाए गए, कई वकील संक्रमित होना पाए गए और आज जो है 35 और संक्रमित होना पाए गए हैं। इस प्रकार से 50 लोग संक्रमित हो चुके हैं।